morning to all of you. Now we have to do some important problem for previous year JEE examinations. जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में के प्रॉब्लम्स हैं जनवरी में, जनवरी के उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैट्रिसेस से रिलेटेड है, उसको शॉर्टकट वे में कैसे करना और कैसे आंसर इसका एक्यूरेट आंसर फाइंड करना, इसके बारे में डिस्कशन। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इफ ए इक्वल टू, मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है ए सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट दिया क्या है, गिवन ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड ए रेज टू माइनस 50 व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 12। याद रखिए इसमें एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा फॉर मैट्रिक्स, वी नो दैट ए इंटू ए टी इक्वल टू आई, ठीक है, ए इंटू ए टी इक्वल टू आई, या फिर इसमें हम अगर या ए टी इंटू ए कर सकते हैं, ए टी इंटू ए इक्वल टू आई, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इंटू ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई, तो दैट मीन्स ए टी इक्वल टू ए इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, इसका यूज होगा। तो इक्वेशन में जो ए दिया है, तो मान लिया ये इक्वेशन वन है, ठीक है, इसको इक्वेशन को टू अज्यूम कर लो, तो बाय इक्वेशन वन एटी, देयरफॉर एटी क्या हो जाएगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दीजिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये 80 हो गया, दैट मीन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स व्हेन वी इंटरचेंज रो इन कॉलम देन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो बाय इक्वेशन, अब यहां पे इस फॉर्म में अगर इक्वेशन 3 दिया, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया ए इनवर्स इक्वल, बिकॉज ऑफ ए टी इक्वल टू ए इनवर्स, दैट मींस ए इनवर्स। अब हम यहां पर सिंप्लीफाई अगर हम लेते हैं, टेकिंग रेशो 50 both sides, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, ए इनवर्स रेशो 50 इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा
cos थीटा, इसका भी 50 आ जाएगा। अब आपने एक इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं -50, दैट मींस जो आपको फाइंड करना है वो तो हमारा आया है, ठीक है। व्हाई आर वी टेकिंग रेशियो 50, बिकॉज वी हैव टू फाइंड a रेशियो टू -50, वैल्यू ऑफ a रेशियो टू, तो a रेशियो टू -50 क्या है। अब हम इसको यहां पर डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं cos 50 थीटा sin 50 थीटा, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, -sin 50 θ cos 50 θ, एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा cos थीटा sin थीटा, ठीक है, और -sin θ cos θ रेश टू n इक्वल टू होता है cos n थीटा sin n थीटा -sin n θ cos n θ, हमने इसका यूज किया है यहां पर, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज किया है 50 θ। अब 50 θ ये तो हमने बता दिया यहां पर, ठीक है, ये आया, किसने वैल्यू निकाला, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 12, वी गेट आफ्टर पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाय 12 वी गेट a रेज़ टू माइनस 50 cos 50 इंटू पाई बाय 12, ठीक है, 50 इंटू पाई बाय 12 साइन 50 इंटू पाई बाय 12 एंड माइनस साइन 50 इंटू पाई बाय 12 cos 50 इंटू पाई बाय 12। अब देखिएगा 50 इंटू पाई बाय 12, आप ध्यान से देखिएगा इसको, अगर अब हम क्या लिख सकते हैं 50 इंटू पाई बाय 12 को, वैसे तो पाई बाय 12 क्या होता है, पाई बाय 12 होता है पाई बाय 180 बाय 12, 180 बाय 12 मतलब पाई बाय 12 को हम 180 बाय 12 लिखते हैं, 180 बाय 12 दैट मींस 12 से 12 बन गया 1 एंड 6 15 का कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा cos 750 sin 750 डिग्री, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट किया, माइनस साइन 750 cos 750, ये हमने लिख दिया, ये हमने कैसे लाया है मालूम है ना, 180 बाय 12 पाई इक्वल टू 180, 180 बाय 12 इक्वल टू 15, तो 15 इनटू 50 75 है ना, यहां पे हम ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, वैल्यू cos 75 होता है cos, अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई, मतलब 2 पाई इनटू इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 पाई प्लस जो भी आएगा 2 पाई n प्लस 30, 2 पाई n प्लस 30 n इक्वल टू अगर हम पुट करते हैं 4 तो ये आ जाएगा 2 पाई n प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई प्लस 30, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सिमिलरली sin 75 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a रेज़ टू -50, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा √3/2, 1/2, √3/2, ये -1/2, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2
और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रूट थ्री वन, और यहाँ आ जाएगा माइनस वन एंड रूट थ्री। तो आप देखिए ए रेस टू 50 की जो वैल्यू थी वो ये आएगी आपकी। तो आंसर कौन सा होगा राइट? आंसर फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कहाँ पे कैसी वैल्यूज हमने निकाला है। यहाँ पे 150 की 750 की वैल्यू 1/2 आती है, और 750 की वैल्यू √3/2 आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर्स फाइंड इन 11th आल्सो यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ टू फाइंड cos 750 sin 750 वैल्यू ऑफ sin 750 एंड वैल्यू ऑफ cos 750। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो आया हुआ है, जो किसी भी कॉन्सेप्ट में ए रेस टू 15 की वैल्यू जो निकाली जाती है वो कैसे निकाल। अब माइनस 50 है, हो सकता है क्वेश्चन में ए रेस टू 30 आ जाए, ए रेस टू माइनस 30 हो, तो वट एवर यू वॉन्ट, है ना, आप कुछ भी चाहते हैं यू कैन फाइंड डायरेक्टली यूजिंग दिस मेथड विद इन अ मिनट। तो आप ध्यान रखिएगा इसको फाइंड करने। अब ऊपर लेते हैं नाउ टेकिंग सेकेंड प्रॉब्लम। ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, हमने सिंपल इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, रिपीट करके आप देख लेना। 18 वर्ष पे मैंने लिख दिया है टेकिंग रेशियो ऑफ 50, यहाँ पे लिख दिया बाय इक्वेशन 2 एंड 3 से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है ना। तो पर्टिकुलर स्टेप पर इस पे यू कैन रीड एंड गेट द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अब नाउ वी हैव टू टेक सेकंड प्रॉब्लम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप देखिएगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। JEE का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंटरेक्शन होगा। तो इसमें जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहले तो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन टू गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 एंड एक्स प्लस 3y प्लस अल्फा जेड इक्वल टू बीटा। ये हमने जो सिस्टम दिया हुआ इक्वेशन है उसको हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख दिया। इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 5 9 बीटा। एक चीज याद रखिए, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पर ये ए को रिप्रेजेंट करना है, ये ए रिप्रेजेंट करेगा, ये बी रिप्रेजेंट करेगा, और ये अननोन्स का एक्स रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आप देखिएगा सिंपल जो लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे उसको हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में डाइवर्ट किया। अब पूछा गया क्वेश्चन मिले द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस has infinite many solution, याद रखिएगा कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखते हैं, दैट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो होता है ऑलवेज जीरो, और जब ये जीरो होगा तो डेल वन इक्वल टू डेल टू इक्वल टू डेल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो,
ये दो कॉन्सेप्ट है। अब डेल क्या होता है, डेल इज द कोफिशिएंट डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड डेल वन क्या, अच्छा डेल इक्वल टू क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 अल्फा, ये डिटरमिनेंट का आ गया मैट्रिक्स, ठीक है, ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब डिटरमिनेंट 1 का क्या है, डिटरमिनेंट 1 में क्या होता है कि जो भी आपका सेकंड मैट्रिक्स है, जैसे इस टाइप की वैल्यू है इसको इक्वल के इस साइड की 5 9 बीटा कॉलम है, जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम से, मतलब रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया तो डेल वन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 9 बीटा फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया है 1 2 3 एंड 1 3 अल्फा दिया गया है। अब अगर हम इसको ये जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल इफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये दिया हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखता है तो ये क्या हो जाता है, डेल इक्वल टू जीरो, डेल वन डेल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो, इज ऑल्सो जीरो। तो हम सिंप्लीफिकेशन पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, और मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक पैटर्न बताया था, शॉर्टकट मेथड कौन सी, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसका हम निकाल रहे हैं। हाँ, तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 1 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा, अब इसको फिर से लिख दीजिए, पहले दो कॉलम को 1 1 1 1 2 3 ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको कि सिंपल एक इस टाइप से ये ग्रुपिंग बनाना है, ये सेकंड ग्रुपिंग और ये थर्ड ग्रुपिंग, इसका मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना, वो भी किधर, यहाँ ब्रैकेट आप ये ब्रैकेट आप देख लीजिएगा, माइनस दो ब्रैकेट लिख दीजिए और इधर वाले को इधर ब्रैकेट में, और यहाँ पे जो एक और बनेगा वन मोर कौन सा बनेगा, ये देखो ये ग्रुपिंग है कैसे बने, ये ग्रुपिंग है कैसे बने, ये सिंपल ग्रुपिंग एंड दिस वन इज ऑल्सो ये ग्रुपिंग। तो जो इधर शो कर रहा है तो इस तरफ लेफ्ट साइड मूवमेंट ले रहा है, ठीक है, तो अपर मूवमेंट, तो यहाँ पर इनका ये इस तरफ आया, तो यहाँ पे 1 2 अल्फा मतलब 2 अल्फा प्लस इसका मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 into 1 into 1 3 1 into 1 3 ये 3 आ गया, ठीक है। अब इधर का मल्टीप्लिकेशन ब्लू वालों का इधर आ जाएगा, तो 2 इसका मल्टीप्लाई करना है पहले इन सब का, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करना 9, फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर दो अल्फा, ठीक है। अब ये क्या है, इक्वल टू 0 है, ये 0 है ना, ये इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 6 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 11 इक्वल टू 0। अब इसको देख लीजिए 2 अल्फा माइनस अल्फा, अब इसको हटा देते हैं से, प्लस 6 माइनस अल्फा माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2 अल्फा में से अल्फा गया, अल्फा आ गया, और माइनस 11 प्लस 6 मतलब माइनस 5 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 5, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई, मतलब अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। अब हमको बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा, तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम किस पे जाएंगे, डेल वन में, डेल वन का भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। अब अल्फा हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर अल्फा आ गया, तो अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे 5, ठीक है, यहाँ पर अल्फा लिख लो इक्वल टू 5, क्योंकि ये 5 आ चुका है हमारे पास, ये हमने अल्फा की वैल्यू लिखा। अब इसको वापस से हम लिख लेते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम, 5 1 1 9 2 3 बीटा 3 5, ठीक है, ये 5 आ गया ना अल्फा। अब वापस ये दो रो को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 5 1
नाइन टू बीटा थ्री ये लिख दिया है। अब यहां पर ये जो है ये इसका ग्रुपिंग कर लीजिए, मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग कैसे करना, ऊपर के थ्री एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, ये आपका ग्रुपिंग हो गया। फिर वापस से एक ग्रुपिंग क्या होगी, ये थ्री एलिमेंट को अगर छोड़ेंगे तो ये ग्रुपिंग होगी, ये ग्रुपिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको ये बताया था कि ब्रैकेट में माइनस करके ऐसा लिख लेना। अब इधर वाले को इस ब्रैकेट में इधर जो और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जा रहा है उसको इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पे इसको पहले हम देख लेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट ले रहा डाउन टू अप, फाइव टू जा टेन, फाइव जा फिफ्टी, तो यहाँ पे क्या जाएगा ये 50 प्लस 13 मतलब 3 बीटा प्लस 9 थ्रीजा 27 एंड अब इसमें कितना आएगा 2 बीटा प्लस 3 थ्रीजा 9, 5 जा 45 प्लस 9, 5 जा 45, ठीक है 9, 5 जा 45। अब आप देखिएगा जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा क्वेश्चन वो देख लीजिए। इक्वल टू जीरो ही है, इक्वल टू जीरो ये आपको मालूम है, इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि ये डेल वन इक्वल टू जीरो है ना, डेल वन इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ये इक्वल टू जीरो रहेगा, तो जीरो के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 2 बीटा 50, तो यहाँ पे आएगा 3 बीटा प्लस 77 माइनस 2 बीटा प्लस 19 माइनस 90 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए 2 बीटा में अगर बीटा, अब यहाँ पे 77 में माइनस के तो माइनस 13 इक्वल टू जीरो दैट फाइव बीटा इक्वल टू 30, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बीटा इक्वल टू 13, बीटा इक्वल टू 13 आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसने पूछा क्या है, पूछा गया है अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 13 माइनस 5 दैट मींस 8, तो ये जो आपकी बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 8, तो ये आपका आंसर रहेगा 8, हमारा आंसर ये डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, दैट मींस वैल्यू ऑफ 8 बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 8, 8 इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपको कैसे करना है ये मैंने बता चुका हूँ कि आपको यूज क्या करना है, आप इसको अच्छे से देख लें और रिपीट करके देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इसी टाइप के प्रॉब्लम फेस होंगे आपके JEE।